अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो बहुएं आती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उनके बारे में आज टॉपिक है, अच्छी बहू और बुरी बहू। तो चलते हैं हम लोग आज अपने टॉपिक की तरफ। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, क्या आप जब बहू बन के जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए होती हैं, नया माहौल होता है, नया नया इन्वायरमेंट होता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अपने ही लोग होते हैं जान पहचान के, लेकिन वो सब चीज़ें भी बहुत नहीं होती हैं। उनके माहौल में रचना बसना सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, और जो बहुएँ ये टाइम अच्छे से मैनेज कर लेती हैं और उनके रंग में रंग जाती हैं, वही कामयाब होती हैं। आजकल लड़ाइयाँ किस चीज़ की हैं मियाँ बीवी में, हर जगह ससुराल में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है बाज़ औक़ात के बहुओं को ऐसे ससुराल मिल जाते हैं जो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और ससुराल अजीब होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के होते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ ससुराल अच्छे होते हैं, लॉज अच्छे होते हैं, और वहाँ पे बहुएं बड़ी टॉक्सिक होती हैं, बड़ा अपना अपनी चलाती हैं, करती हैं और किसी की नहीं मानती। तो फिर ऐसे क्या होता है, सेपरेशन होती है, ख़ासतौर पर मियाँ बीवी में भी और ससुराल में भी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए देखने वालों से आप लोगों ने लाइक भी करना है। आपको मैंने दो किस्म के लोग बता दिए, दो किस्म के लोग जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में, इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का कहीं भी जिक्र नहीं है। आजकल माशरे में ये सारी बातें हैं, कहीं भी लड़की जाती है तो वो सबसे पहले अपने ही साथ रखते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रखते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद सेपरेशन हो जाती है। जब नहीं बनती बहू की सास के साथ, ससुराल के साथ, इन लॉज के साथ, तो फिर सेपरेशन हो जाती है, फिर वो अलग हो जाती है। तो काफ़ी दफ़ा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत अच्छे इन लॉज होते हैं, वो खुद ही सेपरेट कर देते हैं टाइम के साथ। एक और बात आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कहीं भी आप जाते हैं, ख़ास तौर पे आप ससुराल में जाते हैं, लॉज में जाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते हैं, आप किसी से उम्मीद नहीं लगाएं, किसी से उम्मीद नहीं लगाएं, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। और ख़ास तौर पर आप किसी से ये ना कहें कि मेरी जो सास है वो मेरी माँ के माँ की तरह होगी। सास कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती, आपका ख्याल करेगी, आप खाना नहीं खाएंगी, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद होगी तो वो आपके लिए दूसरी बनाएगी, या आपको एडवाइस देगी, या आपको नहीं रोकेगी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, आपको पैम्पर नहीं किया जाता जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बल्कि मैं आपने अपनी आपने उन लोगों की खिदमत करनी होती है। आजकल तो वैसे भी बहू के दूसरा नाम होता है घर की मासी, मतलब आपने काम करना है, काम करना है, और आपका दूसरा कोई काम नहीं है। आपने घर में अगर आप बहू बनकर आए हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ काम करना है, ये एक सच्चाई है। महारानी बना के आपको कोई भी नहीं लेकर आता, बहुत ज़्यादा 100% में बहुत ज़्यादा कम ऐसे घराने होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि सर पे रखते हैं। ऐसी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बाकी 99% माशरे में यही फैमिलीज़ हैं। एक और बात मैं आप लोगों के साथ बोलूँगी कि अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आना है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने आप को भी नहीं भूलना, और आपकी जितनी भी हिम्मत हो आपने उतना काम करना, ये नहीं कि आपने अपनी हिम्मत से पढ़ कर काम करना है। अपने आप को टाइम देना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, और दूसरी चीज़ आपने ऐसे जो रवैये होते हैं ना, जो रवैये किए जाते हैं ख़ासतौर पे बहुएं जो होती हैं, मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा दबने वाली भी होती हैं ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा बोलने वाली और ना दबने वाली भी होती हैं। तो इस बारे में मैं यही बात बोलूँगी कि जो बहनें ज़्यादातर तो 99% हर लड़की ना बसने के लिए जाती है, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपना घर नहीं बचा सकती, लेकिन आखिरी हद तक हर लड़की की यही कोशिश होती है कि वो अपना घर बचाए। इन लॉस में जहाँ तक बात है ना, जो भी बहू जाती है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसे अपने जो भी इन लॉज होते हैं सबको इज़्ज़त देनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों छोटे हों। फिर उसके बाद देखना चाहिए कि भाई मेरे साथ क्या रवैया है। जब आप हर किसी को इज़्ज़त देंगी, एहतराम की नज़र से देखेंगी और उनकी बात मानेंगी, तो हो सकता है
आपके साथ भी सब कुछ सही हो। और काफ़ी सारे इन लॉज ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं और उसके बाद किसी की बात नहीं मानते, और बहुत ज़्यादा जबर और बहुत ज़्यादा घर में काम लेना ये सब चीज़ें होती हैं, और बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं काम करवाते हुए, ऐसे भी लोग होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दो लोगों की बात कर रही हूँ, दो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रही हूँ, अच्छी बहू बुरी बहू, अच्छा ससुराल बुरा ससुराल। और एक और बात, अगर शादी को 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा नहीं हुआ आपको, और ज़िंदगी अचीरन हो जाती है। हर औरत के हाथ में तो नहीं होता बच्चा होना या ना होना। और काफ़ी इन लॉज ऐसे भी होते हैं जो बच्चा ना होने के ऊपर आपसे कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे घराने भी होते हैं जहाँ पे 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं, कोई आपको कोई बात नहीं बोलता। मेरे ख्याल से चाहे वो किसी डर से भी बोलें, आपके हस्बैंड के डर से बोलें, आपकी इज्जत करते हो, कोई भी बात हो, लेकिन ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या बात है कि उनके माइंड में अपना घर निकलता ही नहीं है। जो शौहर का घर होता है ना, वही उनका अपना घर होता है। अल्लाह पाक हर किसी को बसाए, हर किसी को खुश रखे, लेकिन वही घर उसका अपना होता है। तो जो माँ बाप का घर होता है ना, वो पीछे रह जाता है। लेकिन वो जब भी बात करती हैं, जी हमारा घर, हमारे घर में तो यूँ होता था, हमारे घर में तो ऐसे होता था, हमारे घर में वैसे होता था, सुनने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात ये कि वो चीज़ें इंसान को पीछे छोड़ देनी चाहिए। हर घर के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, कहीं रूल्स कैसे होते हैं, कहीं रूल्स कैसे होते हैं। और जहाँ भी लड़कियाँ होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी दी होती है माँ बाप ने हर चीज़ में उनको करने की। और आगे जाके ससुराल में चाहे आपको जितना अच्छा ससुराल मिल जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती हर चीज़ करने की, पकाने की और बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की। हर रिश्ता लिमिट में अच्छा लगता है ना, तो हर बात भी लिमिट में अच्छी लगती है। तो ये भी हर इंसान को ना सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले बातों को तोलो फिर बोलो। ये जो कहावत है ना, ये बहुत अच्छी है। और खामोशी तो बहुत बेहतर है, जितना इंसान खामोश रहता है ना, इतना ही इंसान की ना वक़ार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है, और हर बात को बर्दाश्त करने का मौका मिल जाता है। और दूसरी ये बात कि आपके अंदर बर्दाश्त का मादा ज़्यादा पैदा होता है। ये है कि आपने ये भी नहीं कि आपने बहुत सारी गलत बातों को बर्दाश्त करना है, अपने ऊपर सवार कर लेना है, अपने साथ बुरा करना है, अल्लाह ताला ने ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा। और ऐसा होता है कि हर जगह आपको ना एक जैसे लोग नहीं मिलते। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बुरे हो तो आपको बुरे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर जगह डिफरेंट होता है, हर जगह डिफरेंट माहौल होता है। मेरी तो दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग जहाँ भी रहें, जिनकी नई शादियाँ हो रही हैं और जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जो बंधे हुए हैं, जिनकी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, अल्लाह पाक सबको दूर फरमाए और सबको खुश और आबाद रखे। और मैं यहाँ आप लोगों से बात करूँगी अपनी रूटीन के हवाले से। तो यहाँ पर मेरी रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि मैं बना रही होती हूँ सुबह के टाइम नाश्ता, नाश्ते से फारिग होने के बाद अपनी बेटी के खाने बनाने की होती है, फिर उसके बाद लंच टाइम हो जाता है और मैं टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ। अगर मेरा टाइम आगे पीछे हो जाता है तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों ने अपने टाइम पर सोना होता है। और एक बात और, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मर्ज़ी से चलना होता है। जो उनके घर के रूल्स होते हैं आपको उसको कवर करना होता है, उसको लेके चलना होता है। अगर आप वहाँ पर अपनी चलाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि आगे देखने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक नया इंसान आके हमारे जो सदियों के रूल्स हैं उनको ख़राब कर रहा है। जैसा कि जो सास होती है वो अपनी कुर्सी कभी भी नहीं छोड़ती, अपना किचन कभी भी नहीं छोड़ती है, वो अपने किचन में बनाना खाना पसंद करती है, अपने हाथ से बना हुआ खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बाकी किसी का पसंद नहीं आता। ज़्यादातर बहुओं के में शुरू में नुक्स निकाला जाता है, ऐसा भी होता है कहीं, और ऐसा भी होता है कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं। और हर जगह का माहौल डिफरेंट होता है, हर जगह का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। काफ़ी बहुएँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी मर्जियाँ चला रही होती हैं, अपनी बातें मनवा रही होती हैं, फिर क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में एक इंसान मान मान के एक तरफ ही दांत झुकाव होता है, तो क्या होता है आखिरी में क्रैश ही होता है और आपकी इज्जत भी ख़त्म होती है और आप हर जगह बुरे भी बन जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपने अपनी भी मनवानी है और आपने दूसरों की भी माननी है। जब वो कहते हैं ना कि एक जैसा तराजू हो, एक ही पैमाना हो, तो फिर ही इंसान की ज़िंदगी ना चलती है।
शाम में बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने मेरा किचन देख लिया होगा, डिफरेंट लग रहा होगा। तो मैं आई हुई हूँ मेके, और मेके में मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स जितनी भी थी, ये टमाटो और ये मसाले वगैरह कट करके रख दिए थे, और उसे फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मेरी रेसिपीज इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, लेंदी नहीं होती हैं, ना ही मैं उनको इतना ज़्यादा डिफरेंट सा करती हूँ। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ और फिर फटाफट से मतलब भुनाई होती है, या फिर मैं जो टमाटो होता है उसका पेस्ट बना लेती हूँ, और प्याज को फ्राई करने के बाद ग्राइंड कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा कोरमा स्टाइल सा जो होता है ना, ग्रेवी बन जाती है इसकी। और साथ तड़के वाले राइस होंगे, व्हाइट कलर के जो बनते हैं ना तड़के के, सफ़ेद चावल सादा, वो बनाऊंगी आपको। साथ इसके बनेंगे तड़के वाले राइस। बात हो रही है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की, सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की भी की हैं, और दूसरा मैंने आपके साथ जो है बहू की भी की, कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहू किस तरह होती है, एक कैसी होती है और एक कैसी होती है। साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर की है, डे रूटीन भी आपके साथ सारी मॉर्निंग टू इवनिंग तक शेयर की है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से बात ही ना करें, अपने एटीट्यूड में रहें, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एटीट्यूड वाला दिखाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा कम बातचीत करते हैं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। नॉर्मल बात करें, इतनी ज़्यादा बात ना करें। काफ़ी दफ़ा ज़्यादा बात करना भी इंसान के लिए परेशान कुन होता है। अपने आप को एतदाल में रखना चाहिए। यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग, आप लोगों को पसंद आया होगा। रूटीन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से मेरी खुद की एक बेटी है, और मैं व्लॉग वगैरह, डे नाइट रूटीन, स्किन केयर और बहुत से ऐसे टोटके जो किचन के होते हैं, वो सारी चीज़ें जो लाइफ सेविंग सब चीज़ें के ऊपर मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ। तो जिन लोगों ने ग्रोसरी व्लॉग नहीं देखा तो वो पिछला व्लॉग देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे मेरा जो खाना था वो बन चुका है, आलू गोश्त का सालन और साथ तड़के वाले राइस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे, और आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ब्लॉग किस तरह के लग रहे हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।